लखनऊ में पीएसओ की बेटी की मौत के मामले में आपको बता दें कि पीएसओ वेद प्रकाश को ही पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। दरअसल गोरखपुर से पुलिस ने पिता वेद प्रकाश को गिरफ्तार किया। परिवार लगातार गोली मारकर खुदकुशी की बात कर रहा था और पोस्टमार्टम रिपोर्ट जिस तरह से सामने आई उसमें चोट और सिर पर कई तरह के निशान मिले थे। तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जैसा कि परिवार लगातार कह रहा था कि गोली मारकर खुदकुशी की है, तो गोली के किसी तरह के निशान उसमें नहीं मिले और उसके बाद से ही लगातार पुलिस को आशंका कि परिवार कहीं ना कहीं इसमें शामिल हो सकता है। और कल पिता वेद प्रकाश को आखिरकार पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और अब इनसे कड़ाई से पूछताछ की जाएगी और आखिरकार ये जाना जाएगा कि ये हत्या है या फिर आत्महत्या। तो पीएसओ की बेटी की मौत का यह मामला और खुदकुशी, इसको परिवार की तरफ से लगातार करार दिया जा रहा था। गगन मिश्रा हमारे साथ फिलहाल सहयोगी जुड़ गए हैं। गगन, पूछताछ में अभी पीएसओ वेद प्रकाश ने कुछ कबूल किया है या किस तरह की जानकारी? देखिए, जब से ये पूरी घटना घटी है उसके बाद से ही लगातार षष्ठी जो मृतका है उसके परिवार जन आत्महत्या की ओर ही इशारा कर रहे हैं कि उसने, बेटी ने अपने बाप पिता के यानी कि वेद प्रकाश जो पीएसओ हैं उनकी जो सरकारी पिस्टल से उसी को से फायर कर लिया था। लेकिन जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई उसमें किसी प्रकार की गोली से फायर गोली लगने की पुष्टि नहीं हुई, सिर्फ चोट लगने की पुष्टि हुई थी। फिर भी अभी भी लगातार पुलिस जांच में वेद प्रकाश यही कह रहे हैं कि उसने, बेटी ने आत्महत्या की है। उस समय मौके पे वो मौजूद भी नहीं थे, सिर्फ उसकी माँ और उसके भाई मौजूद थे और कुछ जो बताया गया उसके अनुसार बेटी ने अपने आप को फायर कर लिया था। लेकिन क्योंकि मुकदमा 302 का दर्ज हो चुका है, अज्ञात के खिलाफ हालांकि दर्ज हुआ था लेकिन पुलिस पूछताछ कर रही है, जांच कर रही है और माना जा रहा है कि आज पूछताछ करने के बाद वेद प्रकाश सिंह को जेल भेज दिया जाएगा। लेकिन ये जरूर है कि जिस तरह से घटनाक्रम ने मोड़ लिया है, इसको लगातार ये कहा जा रहा है कि ऑनर सिंह हो सकता है क्योंकि बेटी। चलिए, धन्यवाद आपका गगन हमारे साथ जुड़ने के लिए।